आज अगर मोबाइल में सबसे ज्यादा यूज होने वाली कोई एप्लीकेशन है तो वह है व्हाट्सएप। लेकिन हम सभी के साथ ऐसा हो चुका है कि हम गलती से व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड कर देते हैं और बाद में बोलते हैं, भाई यार ये क्या हो गया भाई, काश मैं इस मैसेज को डिलीट कर सकता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप पे सेंड किए गए मैसेज को डिलीट कैसे कर सकते हैं। राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक साथ एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप को ओपन करा है, जिससे आप ये सब लाइव देख सकें। तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप 1 से व्हाट्सएप 2 को मैसेज सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप 2 पे मैसेज रिसीव हो चुका है और इसी तरीके से मैं व्हाट्सएप 2 से व्हाट्सएप 1 को मैसेज सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप 1 पे भी मैसेज रिसीव हो चुका है। तो अब मैं व्हाट्सएप 1 के मैसेज को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही सारा ऑप्शन है जो अभी आपके व्हाट्सएप पे दिखाता है। लेकिन जब मैं व्हाट्सएप 2 के मैसेज को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक 3 डॉट का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको रिकॉल का ऑप्शन ही मिलेगा। इसके बाद आपसे परमिशन मांगेगा तो मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है कि यू रिकॉल दिस मैसेज, और जिसको आप मैसेज सेंड करोगे उसके पास शो होगा दिस मैसेज वर डिलीटेड। इसका मतलब ये कि अगर आप गलती से किसी को कोई मैसेज सेंड करते हो तो आप उसे रिकॉल कर सकते हो, यानी कि उसे डिलीट कर सकते हो, और सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसे कौन सा मैसेज सेंड करा था। यहाँ पे मैं एक और बार रिकॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से दिखा रहा है दिस मैसेज वर डिलीटेड। लेकिन रुको, इस व्हाट्सएप के कुछ और फीचर के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक चैट लॉक करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप पासवर्ड लगा के अपनी चैट को लॉक कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जैसे हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें आपका मैसेज शो होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस मैसेज को रिकॉल कर देते हो और उसके बाद जो उसके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी वो भी यही पहुँचेगी कि दिस मैसेज वो डिलीटेड, यानी कि वो नोटिफिकेशन में भी उस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ ये है GB व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप का मॉडिफाइड वर्जन, जहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपना स्टेटस और ब्लू टिक को हाइड कर सकते हैं या फिर अपने मैसेज में सिंगल टिक लगा सकते हैं, जो कि आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप पे नहीं मिलता। मैंने सब सुन रहे हैं कि व्हाट्सएप की ऐसी अपडेट आने वाली है जहाँ पे आपको रिकॉल का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यार अभी तक तो वो अपडेट आई नहीं। लेकिन ये GB व्हाट्सएप में अगर अपडेट आ गई है तो ये कन्फर्म है कि व्हाट्सएप पे भी अपडेट आ जाएगी, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे अपडेट नहीं आनी होती तो GB व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप के साथ काम नहीं करता। यानी कि अगर ऑफिशियल व्हाट्सएप के साथ GB व्हाट्सएप काम कर रहा है तो मतलब इसकी अपडेट भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। और इस GB व्हाट्सएप का एक और फायदा है कि आप अपने मोबाइल में दो व्हाट्सएप को एक साथ चला सकते हैं। तो अगर आप GB व्हाट्सएप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको शादी कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलती से कभी किसी को मैसेज सेंड कर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे गलती होने पर वो गलती को सुधार सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।